30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। वैलेंटाइंस डे पे किसी का वैलेंटाइन उसके साथ होता है तो किसी को अपने वैलेंटाइन का इंतजार होता है। और अंकिता लोखंडे आज हमारे साथ हैं और इनको भी बहुत दिनों से अपने वैलेंटाइन का इंतजार है। और आज भी है वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि इनके पास एक वैलेंटाइन नहीं है। मेरे पास एक वैलेंटाइन नहीं है, मेरे पास कम से कम नहीं तो 20 से 25 वैलेंटाइन है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज़ को कि मेरे लिए 25 से 30 वैलेंटाइन है जो मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी जान। और आई थिंक इसके लिए आप ढेर सारे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स लेके आई हूँ। और मैं किसी एक को वैलेंटाइन बनाने का कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है प्यार बांटना चाहिए और प्यार मिलना चाहिए। सो एक नहीं 25 से 30 वैलेंटाइन है मेरे, आप लोगों के सामने मेरे वैलेंटाइन। तो ये है मेरे वैलेंटाइन, नन्हे मुन्ने बच्चे। बोलो किसको मेरा वैलेंटाइन बनना है, स्पेशल वैलेंटाइन। बहुत लोग है, देखा मैंने आपको बोला ना, प्यार की कमी नहीं है। अच्छा ये बताओ वैलेंटाइन डे क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या? क्या होता है वैलेंटाइन? क्या होता है? एग्जैक्टली, प्यार बांटना है, प्यार बांटना है, प्यार लेना है, प्यार देना है। और यार मैं अपने सेल्फिश रीजन से आई हूँ कि मैं आपसे बहुत सारा प्यार इकट्ठा कर सकूँ और अपने साथ घर लेकर जा सकूँ। चलो अभी फ्लावर्स, दीदी आप बहुत सारे फ्लावर्स देने वाली हैं। मैं सबको एक प्यार दूंगी मेरी तरफ से, मेरा वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइन डे, Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day, Happy Valentine's Day. Well, I love you. I love you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन एंड इट्स ऑसम एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे रिव्यू में 90 यहाँ पे आते, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट देखने के लिए एंड दे आर सो हैप्पी। और ये करना है वो थोड़ा शर्मा रहे हैं, अदरवाइज they are so happy but they are very creative जो मैं देख सकती हूँ। they all are very creative। मतलब अपने बचपन में ये बोलती थी ना, मैं बचपन में कभी इतनी क्रिएटिव नहीं थी कि वो पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बना रहे, ड्राइंग्स बना रहे मेरे लिए। एंड इट्स वेरी क्रिएटिव, इट्स वेरी नाइस टू सी कि हमारे हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है एक्चुअली, इतने बचपन से इतना कुछ करना है, सबसे वेरी अमेजिंग। सो वैलेंटाइंस डे आपके लिए बहुत खास था, बहुत ही अच्छा। हाँ बट आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइन इज ऑल अबाउट गिविंग लव एंड गेटिंग लव। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कपल्स कि दो एक लड़का लड़की प्यार करते हैं वही वैलेंटाइन। नहीं, प्यार कहीं भी हो सकता है। आई गेस लव इज़ द ओनली थिंग जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती है। और मैं यहाँ अपने सेल्फिश रीज़न से आई हूँ, मैं इन सबको बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको प्यार देने नहीं आई हूँ, मैं आपसे प्यार लेने आई हूँ। सो अभी आप बहुत बिजी हैं, मूवीज़ हैं, शोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर एक टाइम ज़रूर होगा जब आप भी वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ करती होगी। मैं अभी भी बहुत होती हूँ, अभी के मैं बुढ़ापा आ गया है कि जो अब एक टाइम होगा, नहीं अभी भी वो टाइम चल रहा है मेरा, ये लाइफ टाइम चलेगा। मैं हर दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ आई गेस। सिर्फ वैलेंटाइन डे के ज़रूरी नहीं कि वैलेंटाइन डे पे ही प्यार दिया जाए यार, ऐसा बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं। प्यार रोज़ दिया जाता है, प्यार रोज़ चाहिए और प्यार रोज़ मिलना भी चाहिए। सो आई एम अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं अपने घर पे बहुत पैम्पर्ड हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपना एक पैम्पर्डनेस वो पता चल जाता है कि मैं बहुत लाडली हूँ, मुझे सबका प्यार चाहिए। सो फॉर मी एवरी डे इज अ वैलेंटाइंस डे, एवरी डे। ओके तो स्कूल एंड कॉलेज डेज में कभी कोई लड़की ने अरे बोझ करने की कोशिश की? मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, नहीं दिल की बातें शेयर हो जो स्कूल वाली, या तो आपको कोई लड़का पसंद आया? नहीं, मुझे ऐसे लड़के कभी पसंद नहीं, ऐसे कोई मतलब उस आई बिलोंग टू इंदौर, मतलब वहाँ पर ये सब नहीं होता था उस टाइम पे। बट हाँ अभी बहुत एडवांस हो गया इंदौर, बट हाँ मुझे कभी ऐसे ये नहीं रहा है कि मेरे को कोई पसंद हो या कभी नहीं। बट हाँ लड़के बहुत पीछा करते थे मेरा स्कूल से लेके मेरे घर तक, और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। किसी ने मुझे चैलेंज भी किया था मेरे मम्मी पापा को कि आपकी बेटी को मैं भगा के ले जाऊँगा, और कुछ नहीं कर पाऊंगे। अब मेरे मम्मी पापा स्टंट थे कि अब क्या होगा, अब बोले कुछ नहीं होगा मम्मा, घर बैठ कुछ नहीं होगा। और मैं मॉम वाज रियली यू नो जस्ट स्कैर्ड कि कहीं ऐसा हो गया तो। बट हाँ बहुत दीवाने रहे। जो बेस्ट पागलपन था किसी का आपके लिए वैलेंटाइन डे वाला, कोई गिफ्ट, कोई सीक्रेट गिफ्ट? नो नथिंग। अननोन टाइप से? नहीं यार, याद ही नहीं है। ओके ओके। सो घर में भी लाइक जैसा कि आपने बोला कि किसी के साथ भी सेलिब्रेट किया था, मॉम डैड के साथ? ऑफ कोर्स मैंने हर बार सबके साथ किया है सेलिब्रेट, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने अकेले या किसी के साथ बनाया। इट हैज़ नेवर हैपेंड, क्योंकि आई जैसे बोल रही हूँ लव इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट अबाउट अ पार्टनर और अ कपल कि एक हस्बैंड वाइफ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने नाना के साथ तक वैलेंटाइंस बनाया है, तो मेरे लिए प्यार सब जगह है। और मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, लव माई फ्रेंड्स यू नो। मैंने हमेशा से पवित्रिष्ठा में जब मैं थी यू नो आई टू सेलिब्रेट वैलेंटाइंस एवरी ईयर, आई टू कॉल एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम पवित्रिष्ठा, और हम सब लाल कपड़े पहनकर यू नो बलून्स के साथ। आई गेस हमारी इंस्टा पे फोटोज भी हैं ऐसी बहुत सारी कि सारे पवित्र की लड़कियाँ ऐसे दिल लेके एंड विद लिपस्टिक अपने ऐसे मॉस्टैच बनाई है एंड यू नो ऐसे कुछ भी क्रिएटिव मस्ती के लिए। तो आई लव टू सेलिब्रेट my life every day, okay, every day. And how's going with Mani Karni Kaata? It's going awesome. It's really going awesome and I'm really looking forward to it. अब बारी है डांस की, और बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और अंकिता भी उनसे ज्यादा एक्चुअली। So let's start. Okay, let's start. 1, 2 and 3. Thank you guys. Thank you for this. For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.